Subscribe to Shimaru Indian TV Classics and press the bell icon to never miss any updates. What's up? एक बहुत बढ़िया शेर याद आया. अच्छा. हाँ जी. कहता है. कौन कहता है? मैं ही कहता हूँ और कौन कहता है? अच्छा मैंने सोचा उधर से कोई कह रहा है. अभी तो अब शेर का सारा मजा खराब कर देते हो. मैंने क्या मजा खराब किया? तू ही कह रहा है यार. कहता है कहता है कौन कहता है? ये एक शेर सुनाने का अंदाज होता है. आप चुप करके सुनो प्लीज. अच्छा ठीक. कि गिन गिन के जिसने जाम पिए उसने क्या पिए. गिन गिन के जिसने जाम पिए उसने क्या पिए. पीना उसी का है जो पिए बेखुदी के साथ. भाई वाह, बहुत अच्छा शेर है. और इसी शेर पर मुझे एक चुटकुला याद आ गया. तो देखो भट्टी साहब, शेर पर कोई चुटकुला याद आना अच्छे मैनर्स नहीं होते. ये पढ़े लिखे आदमी को शोभा नहीं देता. ये मुझे याद आ ही गया तो मैं क्या करूं. ठीक है, अब याद आ गया तो सुना दो. आप कौन सा बहुत कल्चर्ड आदमी है. बाजार आदमी कुछ भी कह दो कोई माइंड थोड़ी करता. तू कहां से कल्चर्ड आ गया अभी? ये थोड़ा कि तू शराब के साथ दो शेर सुना लेता तो कल्चर्ड हो गया. गिन गिन के जिसने जाम पिए क्या पिए, ये शेर भी तुझे तब याद आता है जब तू लोगों के पैसों की पीता है. जब तुझे कभी खुद पिलानी पड़ जाए तो कहता है लिमिट में पियो, लिमिट में पियो. वैसे पीनी तो लिमिट में ही चाहिए. तो मैं भी लिमिट की बात ही बता रहा था. कौन सी बात? यही कि एक पार्टी में एक डॉक्टर साहब आए हुए थे. हाथ में उनके ग्लास था, तीन चार मोटे पैग लगाए हुए. अच्छा. लोगों को समझा रहे थे पियो मगर लिमिट से. शराब उतनी पियो जितनी तुम पचा सको. लेकिन डॉक्टर साहब लिमिट का पता कैसे चलेगा? ये अपना अपना तरीका होता है. मैंने तो कसम खाई है मैं तब तक पीता रहूंगा जब तक वो दो वेटर खड़े हैं ना मुझे चार दिखाई देने शुरू ना हो जाए. लेकिन डॉक्टर साहब सामने तो एक ही वेटर खड़ा.